हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। इसमें संक्षेप में आपको नोटिफिकेशन की जानकारी दूंगा और बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है, आपकी जो कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड में वैकेंसी है, इसका यहाँ पे ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी जिसपे आपको कोई क्वायरी है आप मेल से द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी कर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HCFL या IOCL NTPC CIL FCIL की तरफ से है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश गोरखपुर, सिंदरी झारखंड, बरौनी बिहार, और यहाँ पे मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट ड्यू सफरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं HUL नीट, आपको डायनेमिक हार्ड वर्किंग टैलेंटेड प्रोफेशनल एस अंडर, यहाँ पे आपको देखें मार्केटिंग की जो वैकेंसी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट पोजीशन वैकेंसी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट और मिनिमम एक्सपेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट पोजीशन है वो यहाँ पे दे सकते हैं, इसको यहाँ पे मार्केटिंग में है वन वैकेंसी है, BSc एग्रीकल्चर विद MSc इन एग्रीकल्चर विद मिनिमम 60% मार्केटिंग या PE BTech एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्केटिंग या MBA PGDBM इन मार्केटिंग एग्री बिजनेस मार्केटिंग रूरल मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क BTech अलॉन्ग विद MBA PGDBM इन डिसिप्लिन लिस्टेड अबव शैल बी प्रेफरेबल। ठीक है, यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट 50 दे रखी है और 20 आपका साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट हेड ब्रांडिंग की यहाँ पे देखिए वन वैकेंसी है, यहाँ पे भी आपको सेम इसी तरीके से देखिए BTech यहाँ पे एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% या मार्क या MBA PGDBM मार्केटिंग एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केटिंग रूरल मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क BTech अलॉन्ग विद MBA PGDBM डिसिप्लिन लिस्टेड अबव शैल बी प्रेफरेबल। ठीक है, 50 आपकी आयु और 20 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हेड के यहाँ पे देखेंगे आपका BSc एग्रीकल्चर विद MSc एग्रीकल्चर विद आपका मिनिमम 60% मार्क आपके या बी एग्रीकल्चर में BTech में, ठीक है, मिनिमम 60% और या PhD इन एनी डिसिप्लिन एग्रीकल्चर, PhD इन एनी डिसिप्लिन एग्रीकल्चर विल बी प्रेफरेबल। 50 से आपकी 20 दे रखी है। इसी तरीके जोनल हेड की बात करें तो यहाँ पे BSc होना चाहिए, MSc होना चाहिए, ये ठीक है, या फिर BTech होना चाहिए या फिर MBA। तो यहाँ पे आपको ये दे सकते हैं लगभग सेम ही है सब में। यहाँ पे चीफ मैनेजर मार्केटिंग स्टेट हेड की यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आयु देखने को मिल जाएगी 45 और 15 साल का अनुभव। ठीक है, यहाँ पे BSc या विद MSc इन एग्रीकल्चर, ठीक है, 60% मार्क होने चाहिए, बी या BTech या आपका MBA PGDBM मार्केटिंग में रूरल मैनेजमेंट विद आपका 60% होना चाहिए, 45-15 साल का अनुभव मांग रखा मार्केटिंग में। इसी तरीके से सब में रहेगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसका मैं पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मार्केटिंग का आ रहा है तो यही आपका रहेगा डिसिप्लिन सब में। यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है ये आपको देख सकते हैं कम हो जाएगा 40 और 10 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं। ठीक, जो हमारी अब नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, हम फाइनेंस की बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, जिसमें मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया, ठीक है, CA या CMA या MBA विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस मिनिमम 60% मार्क, कैंडिडेट विद ड्यूअल स्पेशलाइजेशन जनरल MBA शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई, डिग्री इन लॉ विल बी प्रेफर्ड। यहाँ 50 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे चीफ मैनेजर की दो वैकेंसी है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट CA MBA 2-year MBA विद स्पेशलाइजेशन फाइनेंस मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए, विद ड्यूअल स्पेशलाइजेशन MBA शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। 35 और 5 यहाँ पे आपको देखा है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है, यहाँ पे आप बात करेंगे, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की सेम कैटेगरी रखी गई है, 35 और 5 आपके आयु, 35 आपका वो रखा गया है आयु और 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर की, इंजीनियर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क, 30 आपकी आयु रखी, 2 आपकी वैकेंसी। सेफ्टी की यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर की,
इलेक्ट्रिकल में आप जैसे ग्रेजुएशन केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क विद डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम CLI या RLI से 35 साल की आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, इसी तरीके सेफ्टी में इसी तरीके से रहेगा, ऑफिसर यूटिलिटी में भी यही आपका दे सकते हैं, आपका इंजीनियर या केमिकल में मैकेनिकल से डिसिप्लिन 60% आपका रखा गया है, 45 और 15 साल का अनुभव। यहाँ पे इसी तरह प्रोसेस या अमोनिया में बात करें चीफ मैनेजर की, इंजीनियर ग्रेजुएट इन केमिकल डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क, 48 और 15 आपका रखा गया है। ठीक है, इंजीनियर सर्विस में यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है, यहाँ पे पूरी इंजीनियर ग्रेजुएट होना चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे डिसिप्लिन देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे अपर एज लिमिट आपकी डिफरेंट है, 40 है, एक में 45 है और एक में 35 है, 15, 10, 5 है। ठीक है, एनवायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल में मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी 2-6 है, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन साइंस में। ठीक है, और केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क, प्रेफर विल बी गिव PhD रिलेटेड डिसिप्लिन। 40 से 45 आपकी आयु दे रही है, 15 और 10 साल का अनुभव मांगा गया है। कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ पे दे सकते हैं चीफ मैनेजर की 1, यहाँ पे ICI होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री लॉ विन इन एडिशनल क्वालिफिकेशन 45 और 15 साल का अनुभव। ह्यूमन रिसोर्स में आप देख सकते हैं MBA या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इक्विवेलेंट MBA HRM में यहाँ पे आपको जो दे रखा है 45, 40, 35, 30 दे रखा है और 15, 10 और 5 और 2 साल का अनुभव दे रखा है। सिविल में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर होना चाहिए सिविल में डिसिप्लिन में। यूरिया हेड आप प्रोडक्ट हेडिंग हैंडलिंग की ऑफिसर की 6 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इंजीनियर ग्रेजुएट आपका मैकेनिकल केमिकल से 30 और 2 साल का अनुभव रखा गया, बाकी आपकी डिटेल है इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अलग से मैं इनके लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन का वीडियो बना दूंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन ऑफ इंजीनियर ऑफिसर लेवल पोजिशन रिक्वायर मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 या लेस विल बी बेसिक्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन एंड रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस। द पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन मे बी कंडक्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन मोड। इन एडिशन फॉर सेक्शन फ्रेशर सिलेक्शन टेस्ट सेल आल्सो अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सिलेक्शन फॉर ऑल द पोजिशन रिक्वायरिंग एक्सपीरियंस विल बी थ्रू पर्सनल इंटरव्यू एंड आपको जो देखते हैं जॉब एक्सपीरियंस पर्सनल इंटरव्यू में भी कंडक्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन। आपका देख सकते हैं बिहेवियर आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट विल बी कंडक्ट द प्रियर और 2 इंटरव्यू। ठीक है, फिजिकल फिटनेस के बारे में आ रहा है, आप नेचर ऑफ पीरियड एंगेजमेंट के बारे में जो कि 1 साल का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गेट सेटिस्फरी परफॉर्मेंस रेटिंग फ्रॉम कन्फर्मेशन देयर सर्विस विल बी एंड टू प्रोपोजिशन पीरियड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी रहेगी वाइस प्रेसिडेंट की 40 लाख, CTC और चीफ मैनेजर 27, मैनेजर की 19, असिस्टेंट ऑफिसर की 12.5, ऑफिसर इंजीनियर की 8.5 लाख रुपए रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको किस तरीके से आवेदन करना है उसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। ठीक है, आपको एक वैलिड ईमेल आईडी से एसेंशियल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन HUL विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल बाउंसिंग एनी ईमेल सेंड टू कैंडिडेट। द ओरिजिनल टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 1 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल हैव टू प्रोड्यूस कैंडिडेट फिजिकली ऑनलाइन मोड। ठीक है, या एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इफ कॉल 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ रहेंगे, हाई स्कूल सर्टिफिकेट रहेंगे, प्रूफ डेट बर्थ रहेंगी। ठीक है, ये आपको दे रखा है सर्टिफिकेट के बारे में, यहाँ पे आपके बारे में जानकारी आ रही है, जनरल इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर आ रहा है, वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं फ्रेंड। बाकी डिटेल यहाँ पे जैसे ऑनलाइन की बात करें, स्टार्टिंग डेट है 24 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आप आवेदन कर सकते, कट ऑफ डेट है कैलकुलेटिंग एज एक्सपेंस 10 मार्च 2021 रहेगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में, देखिए इसका आपको लॉगिन करने के लिए से पहले सबसे पहले अगर नए हैं तो यहाँ पे न्यू टू HURL क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव नेम ऑफ आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो मुझे आपको देख से लॉग इन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी जो मैंने डाली थी और जो पासवर्ड था मैंने बनाया था उसको यहाँ पे एंटर करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं लॉग इन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली इसको सेलेक्ट करें, जैसे मैंने किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्केटिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको देख सकते हैं हेडक्वार्टर दिल्ली, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग डेट, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको जानकारी दे, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे सिंपली आके आप क्लिक कर दें, इसी तरीके से आपकी मार्केटिंग की वैकेंसी पूरी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं किसी एक पर यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैनेजर ब्रांडिंग L2 पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो किसी पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी एलिजिबल है, जो आपको लगता है। फर्स्ट नेम
ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अपलोड यहाँ पे आपको प्रूफ के लिए एज के लिए करना पड़ेगा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी यहाँ यानी उसके बारे में जानकारी, अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है, आईडी प्रूफ के लिए आधार का आपको देना पड़ेगा, ठीक है, या डीएल पासपोर्ट 100 KB का रहेगा जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में हो। लास्ट नेम यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल है। मोबाइल नंबर आपको अपलोड अपना फोटो करना है। आपको लोकेशन प्रेफरेंस बताना है, जो भी आपका है देख सकते हैं यहाँ पे गोरखपुर आपका एक एक करके आप बता दें या दिल्ली, जो भी आपको लगता है एनीवेयर इन इंडिया, यहाँ पे आपको जो लगता है उसको हिसाब से यहाँ पे करें। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल आएगा, फिर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन सबमिशन आएगा, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे फादर नेम भी है, तो इस तरीके सारी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमें एड्रेस देना है, अपना बताना है किस कंट्री से है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए सिटी है उसके बारे में बताना है, सिटी के बाद यहाँ पे स्टेट है उस स्टेट बताना है जिस स्टेट से यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे जानकारी दी, दोनों अगर सेम है इस पर आपको क्लिक कर देना, अगर अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी दें, सेव एंड कंटिन्यू करके आपको आगे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस में कोई गलती हुई है तो यहाँ पे बैक में जाके प्रीवियस को सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन, आपकी डिग्री और पास, ब्रांच, डिसिप्लिन, आपका कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, मोड आपका यहाँ रहा है स्टडी, आपने पार्ट टाइम, फुल टाइम, डिसिप्लिन, एग्जामिनेशन आपने किस सन में पास की, तो सारी जानकारी यहाँ पे दें। परसेंटेज आ रही है यहाँ पे, उनकी मार्कशीट जो कि आपके पीडीएफ या जेपीजी जेपैक में आपकी रह सकती है, 500 KB का साइज रहेगा। इन सब की जानकारी देने के बाद एक एक करके यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हाई स्कूल की दें, फिर आपको आपको बताएं यहाँ पे ब्रांच, डिसिप्लिन, कॉलेज का नाम और बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इस तरीके के करके इन्फॉर्मेशन देते जाएं। तो फ्रेंड जैसे ही यहाँ पे आपने पूरी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देनी है, ठीक है, एक्सपीरियंस डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डेट, आपने कब से कब तक काम किया एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पोजीशन क्या थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, एड यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका आ जाएगा, ठीक है। एनुअल CTC क्या थी इसकी यहाँ पे आपको दे सकते हैं, 50 KB का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल दे सकते हैं, मर्ज मल्टीपल फाइल वन सिंगल फाइल एंड देन अपलोड और अलाउड द फ्रेम पीडीएफ जेपीजी 500 KB का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखें डिक्लेरेशन में आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपने जो फिल करी थी वो आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सारी इमेज जो आपने अपलोड करी है उनको देखने को मिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी आपने जो अपलोड किया है, ठीक है। नीचे देखिए फ्रेंड आपको डिक्लेरेशन आ रहा है, की परफॉर्मेंस एरिया, आपका डिलीवरेबल एंड अचीवमेंट के बारे में जानकारी देनी है, अटैच रिज्यूम बायो डेटा जो कि 500 KB का रहेगा। इस तरीके से अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रेंड आपका जो लास्ट रहा है एप्लीकेशन सबमिशन रह जाएगा, उसको यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो कुछ इस तरीके से ये आप HURL के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जानकारी मैंने बताई। फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो या फॉर्म भरने में कोई तकलीफ आती है तो प्लीज़ हमें जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़कर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमसे जुड़ें, ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो देखें।